और अभी बजे हुए हैं 8:30 और मैं झाड़ू और पोछा बर्तन बर्तन सब करके आ गई हूँ। और ये देखो अभी तक ये नहाए भी नहीं है, तो आज हमारे अमावस्या है, तो आज रेस्ट करने का टाइम है। तो अमावस्या है तो ये करेंगे रेस्ट। बट मतलब लेडीजों के लिए कोई अमावस्या नहीं ये भी होती है, अमावस्या होती है आपकी। तो अपन को तो काम करना ही है, लेडीजों को सबको, तो क्या कर सकते हैं यार। बट रेगुलर टाइमिंग पे जो काम करते हैं वो सही है, करते रहना चाहिए। हेल्थ प्लस काम दोनों हो जाते हैं मेंटेन। और हाँ गाइज, एक बात तो मैं बोलना भूल गई, थैंक यू सो मच आप सबका, जो आप हमें इतना सारा सपोर्ट दे रहे हो। वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, बस कमेंट की थोड़ी सी चल सोल्टेज चल रही है, तो रही प्लीज कमेंट किया करो गाइज, ताकि और ज़्यादा सपोर्ट मिले हमें और वीडियो बनाने में अच्छा लगे, जो हम हर वीडियो में बोलते हैं। तो कमेंट करो गाइज, अच्छा लग रहा है तो अच्छा करो, बुरा लग रहा है तो बुरा करो, कोई कमी लग रही है तो वो बताओ, मेरे में कमी या इनमें कमी या घर में कमी है। तो ये तो नहीं उठने वाले, मैं ही उठूंगी, मैं ही नहा धो के आऊंगी, खाना वाना बनाना अभी। क्या करे है? जोर आ जोर तो मेरा 69 नहीं, रहा है ना, 59 है, फिफ्टी 59, नाइन हो जाएगा तो सिक्सटी फिर तो नाइन आप तो लोगे नहीं। 69 तो नहीं हुआ। भैंस पढ़ लेने वाले आ गए हैं बाहर, ये तो होता है है हमारे यहाँ। आवाज लगा रहा, भैंस पड़े भैंस पड़े, अपना वो पड़ा भी बड़ा हो गया। तो फाइनली मैं उठ गया हूँ। उठ तो क्या गया हूँ, मेरे को उठा दिया गया है। मतलब इतना परेशान कौन करता है यार। मतलब एक दिन रेस्ट करने का सोचा मैंने, तो मेरे को इतना परेशान कर दिया। एक दिन तो अभी मैं 5 बजे उठ मिलते हैं गया। नानी के पास, मैं ले लेता हूँ टेक बात। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फटाफट खा लेते हैं। मतलब खुद का काम करने में तो जोर नहीं आता है? क्या हो गया? नहीं, खुद का काम करने में तो जोर आता नहीं है। बाइक देखो बोलो, और फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके कल का ब्लॉग देखिए, और इस ब्लॉग को रखेगी खुशी कंटिन्यू। और बाहर आवाज़ आ रही है कोई की, पुराने लोग कहते हैं कोई की आवाज़ आता है तो कोई ना कोई गेस्ट आने वाला होता है। पता नहीं आज हमारे घर पे कौन गेस्ट आने वाला है। चलो देखते हैं पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू देखते रहिए ब्लॉग को। और अभी टाइम हो गया है शाम के 7, और बाहर अंधेरा हो गया काफ़ी सारा। मतलब गांव के अंदर मतलब अंधेरा होना तो स्वाभाविक है। और एक फ्रेंड से एक चीज़ आपको ये भी बोलना है कि जिन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और जो जो हमें फॉलो करेगा उनको फॉलो बैक मिलेगा। और अभी खुशी अंदर है, बना रहे खाना और मैं आया हूँ घर पे, तो लोग को रखते हैं कंटिन्यू। और आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। आपकी है ना, मतलब दिन में धुली भी अभी तक सूखी नहीं है इसको, वो थोड़ी सी रह रही है नीचे से। और अभी खुशी आई मेरे को बुलाने के लिए खाने के लिए, है ना। मेरे को पता लग गया था, मेरे मन हो गया था कि मतलब हाँ खाना रेडी हो और चुका है। खिचड़ी, अच्छा खाने में आज खिचड़ी बनाई है और रोटी भी है सब्जी भी।
रोटी सब्जी तो रहती है, रोटी सब्जी बगैर तो आप बुलाओगे कैसे? खिचड़ी भी खाने तो आज का दिन तो पूरा बिजी रहा है, मतलब ये धोने के अंदर ही आपका है, धोने के अंदर ही रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सूखी नहीं है सुबह से, मतलब इतनी गर्मी थी फिर भी मतलब ये बहुत ज्यादा गीली रख दी इसको। नहीं, इसका पानी अच्छे से निकला नहीं यार। मैंने सोचा एक साइड से निकली, एक साइड से सूख गई, सूख जाएगी। तो फाइनली खाने का टाइम हो गया, तो खाना खा लिया जाएगा। दूसरी वाली निकाल लेते हैं, ये गीली है तो ये सूख जाएगी, इसको साइड में रख देते हैं, कल दिन में धूप में सुखानी पड़ेगी इसको। दूसरी वाली ब्लैंकेट निकालनी पड़ेगी। तो अभी खाना खा लेते हैं। खाने के मामले में तो नो कॉम्प्रोमाइज, फटाक से खाना खा लेना चाहिए एक बार में ही कहने पे। तो मिलते हैं खाने के बाद। आज तो बहुत सारे आइटम बने हुए, नानी डाल रही खिचड़ी, बहुत दिनों के बाद आज खिचड़ी खाने को मिली। घी कम गाजे नानी बनाने लेके आए, पापड़ की सब्जी इधर डाल, इसमें डाल दे थोड़ी सी। आज तेरे को शर्म नहीं आई है ना? नहीं, वरना रोज ना तो शर्माओ। अब तो तबीयत ठीक है नानी? नानी की तबीयत दो तीन दिनों से बहुत ज्यादा ही टाइट चल रही है, मतलब गोलियां लेनी पड़ती है। गोलियां तो मतलब परमानेंट ही हो गया गोलियों का तो सिस्टम। नानी नहीं बोले इसका मतलब तो बहुत ज्यादा ही वीक है। तो ये हमारे चिड़ी का हो गया, पता नहीं क्या गर्मी से जुगाड़ है, जुगाड़ कर रहे हैं। तो मिक्सी में पीस लो इसको, इतना दिमाग लगा रहे हो इससे ज्यादा। पीसी हुई थी भाई, ये छोड़ दे भाई, तो इसकी जम गई। अब ये नहीं है तो भाई, गर्मी से ऐसे नहीं निकलेंगे। आपसे तो होगी, मेरे को ही करनी पड़ेगी। चलो हो गए, मेरे लिए हो गए। लो 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 लो, आप अपने करते रहो, मेरे पकड़ो, आप पकड़ो ना, नहीं निकालता हूँ। अब मेरे तो हो गई है, अब मिला लेते हैं इसके अंदर। मैं हाथ धो के आया हूँ और हाथ से खानी चाहिए खिचड़ी। बस बस बस, ये हो गया देसी इलाज। और फाइनली खाना खा लिया मैंने। और खिचड़ी मतलब हेल्थी होता है, तो एक टाइम तो इंसान को हेल्थी खाना खाना ही चाहिए। और खाना खाने के बाद तो मतलब थोड़ा वो वॉकिंग भी करना चाहिए, तो वॉकिंग कर रहा था मैं और कुछ ही, वहाँ पे बहुत अंधेरा था तो हम तो शूट नहीं कर पाए। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ब्लॉग के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। और एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे। और खुशी बर्तन मांज रही है तो आ जाती है, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। तो अभी बजे हुए हैं रात के 9:30 और बस अभी हो रही है सोने की तैयारी। आप ना चाहे उठ के सो जाओ, मैं मूवी की आवाज कम कर लूंगा, टीवी की मतलब टीवी की आवाज बंद कम कर लोगे, कम कर लूंगा। अच्छा, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि चल रहा है तो आप सो जाओ ना, तब नींद लो, तब तक नींद आएगी। तो बासी आने लगी है मेरे को अभी से, तो यार मैं क्या करूं, मेरे को सोने भी नहीं देते यार। और मेरी एक घंटे की नींद भी अगर कम होती है ना तो मेरे को क्या करूं। देखो मेरा फ्रेंड्स ही मेरा साथ दे रहे हैं, मतलब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यार, कर रहे हैं तो ठीक आ रही है। तो आप लोग बताना कि जल्दी सोना चाहिए या लेट सोना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट आएंगे लेकिन आपके लिए नहीं आएंगे। चलो फ्रेंड्स, आज साबित करना है किसके लिए कमेंट आते हैं। तो सबसे ज्यादा कमेंट आप किसके लिए करोगे, ए या बी?
बी पे आपके हैं, ए पे मेरे, तो कमेंट के अंदर बी मेरा ध्यान से देखना, बी मेरे को दिया है, एप्पल लिखना आपको। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अभी दूध राबड़ी बची हुई है, पीना बाकी है, उसके बाद टेबलेट लेनी है और फिर सोना है। उबासी आ रही है आपको? तो मेरे को आ रही उबासी क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो गया, क्योंकि आज मैं दिन में थोड़ा कम सोई थी, काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, ब्लैंकेट वगैरह धोई और इस वजह से थोड़ी लेट सो पाई मैं। और मेरे को मतलब गर्मियों के अंदर लग गया जुकाम, तो मैं आपको मॉर्निंग में गर्म पानी जब दे रही थी तो आपने ही तो बोला था गर्म पानी से नहीं है, मतलब पसीने के अंदर और ऐसे चला लेना, ऐसे चला लेना, उसकी वजह से हो रहा है कि दोपहर में गर्मी में आते हो फिर चला लिया एसी, तो उसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखो गाइज, आप लोग भी गर्मी से पसीने में आते ही एसी वगैरह फैन वगैरह मत चलाया करो, 5-10 मिनट तक नॉर्मली ऐसे बैठा करो, उसके बाद चलाया करो, जिससे वरना हेल्थ क्या ना खराब हो जाएगी, जुकाम वगैरह लग जाते तो 5 या 7 दिन तो खराब हो ही जाते हैं, तो केयरफुली। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त, चाहते हैं वो लोग लाइक पे जरूर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक यू, और जो नहीं कर रहे हैं अभी तक भी लाइक तो प्लीज गाइज लाइक किया करो, आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो गुड नाइट, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।